हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। तो आज ना हम बहुत टाइम के बाद गांव की दाल बना रहे हैं। हाँ। और तमन्ना आदि भी स्कूल से आ गए। तमन्ना के पापा ना आज घर से काम कर रहे हैं, तो मैंने बोला आज गांव की दाल बनाते हैं। तो ना आज हम गांव की दाल बना रहे हैं। और ना वरना ना हम ना दिन में ना ऐसे हल्का फुल्का खाना बना देते थे, जैसे सुबह की सब्जी बची रहती थी तो हम उसके साथ रोटी बना लेते थे, और कभी कभार पास्ता, ऐसे हल्का फुल्का खाना बना लेते थे। तो आज पापा भी घर पे है तो हमने सोचा गांव की दाल बनाते हैं। देखना ये अचार शिल्पा ने दिया, हमारे सामने रख दिया, देखना उसकी सास ने बनाया, बहुत ही अच्छा अचार बना रखा है। पिछले बार भी बताया था मैंने तो उन्होंने ही दिया था, इस बार भी उन्होंने। ये देखना करेला बहुत बड़ा है और ये मिर्च का, तो उसकी सास बना। तो अभी मम्मी दाल बना रही है। और अब डालने वाली है दाल। तो बहुत टाइम बाद खा रहे हैं गांव की दाल। तो ना मम्मी के ना सारे बाल निकल रहे हैं, तो मम्मी सोच रही है कि मैं मेहंदी लगाऊं अपने बालों में, क्या पता बाल मतलब झड़ना बंद हो जाए, कहीं मैं टकली ना हो जाऊं। ऐसे मेहंदी को लोग लोहे के बर्तन में भिगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं बालों पे, और मैं तो इसी बर्तन में भिगाती हूँ। मेरे में है लोहे का पर बड़ी है कढ़ाई, इसलिए मैं कढ़ाई में नहीं इसी में भिगा। तो मम्मी ना इसमें अब नींबू डाल रही है। तो अब बन गया हमारा खाना, तो रायता भी बना दिया मैंने बूंदी का। आज दाल चावल और बूंदी का रायता, ये मैंने आज मठे में ही बना रखा है, आज मैंने दही में नहीं बनाया। तो जब तक खाना ठंडा होता है तब तक हम थोड़ा बाहर में बैठ जाते हैं, और यहाँ पर ना ठंडी हवा आ रही है क्योंकि आज धूप नहीं आ रखी ना, तो अच्छा हो रखा है मौसम। देखना आदि तो मन भी बैठ रखी है, तो आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। करेले लगे हुए है इसपे, देखना छोटे छोटे करेले लगे हुए है, देखो एक दो तीन गमले में उगा रखा है। तो देखो आज धूप नहीं है, बहुत ही अच्छा हो रखा है मौसम, मेरे को लग रहा है बारिश आने वाली है। अरे देखो गिलाय का पेड़ है, बहुत सारे हो रखे हैं। तो चलो अब खाना खाते हैं, खाना भी ठंडा हो गया होगा और तमन्ना के पापा का काम भी हो गया होगा, वैसे तो पूरा दिन रहेंगे आज काम पे। तो जब ये घर में रहते हैं तभी टेंशन रहती है खाना बनाने की, नहीं तो मैं और आदि तमन्ना तो सुबह कभी सब्जी होती है तो रोटी बनाते हैं उसमें खा लेते हैं, और कभी कभी बनाते हैं दाल चावल, डेली नहीं बनाते। तो मम्मी पापा के लिए रख रही है चावल, और दाल का ना कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी खा लो राजमा और चावल। तो ना पापा का वापस फोन आ गया, पापा वापस बात करने चले गए, तो हम खा लेते हैं तब तक खाना। आप भी खा लो खाना राजमा और चावल, उसके बाद मम्मी मेहंदी भी लगाई गई अपने सिर पे। तो मम्मी अभी मेहंदी लगवा रही है दीदी से, ठंडी पड़ रही है सर में, पता चला मेहंदी लगा के और बाल झड़ गए। तो देखो मम्मी ने मेहंदी लगा ली है, देखो दीदी के हाथ पूरे लाल हो गए। मेहंदी ऐसी है वो कि बिल्कुल आप लगा दी मैंने मेहंदी। तो ना अभी मैं और मम्मी मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि ना मैंने मम्मी को कब से कहा था कि मेरे को ना शरारा सूट चाहिए, तो मम्मी ने बोला अब लाऊंगी, तो मम्मी लाएंगी, तो मैंने बोला अब मुझे चाहिए रक्षाबंधन के लिए, तो आज मिल जाएंगी तो ले आएंगे या फिर अगले दिन ले आएंगे। तो ना मम्मी ने पहले कड़े ला रखे थे, उसके बाद मम्मी ये चूड़ियाँ लाई, तो मम्मी ने ना ऐसी रख रखी थी हरी चूड़ियाँ, उसके बाद मम्मी ने आज निकाली और मम्मी पहन रही है। एक तो तमन्ना ने तोड़ भी दी तो इसलिए मैं पैक पैक डाल दी, और एक आदि ने अभी तोड़ दी। आदि ने भी तोड़ दी। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है।
मैं और तमन्ना के पापा आदि मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से घूम के भी आएंगे और तमन्ना का सूट मिलेगा तो सूट लेके आएंगे। अब मैंने तमन्ना को बोला नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लाऊंगी, दूसरे दिन लाऊंगी। हाँ, वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है। तो पहुंच गए हम मार्केट और बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है ये, और राखी भी आ गई तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत ही भीड़ भड़ाका है। यहाँ पर हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं और रेट भी सही रहता है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है। तो ना अभी मम्मी मेरे शरारा सूट देख रही है कैसी है, और ना समझ नहीं आ रहा मम्मी को और मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा लेना चाहिए। तो ना मेरे को ये कलर उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मम्मी कह रही है कलर ना अच्छा लग रहा है। इसमें एक ही कलर है, इसमें एक ही कलर लास्ट पीस बचा हुआ है। और आदि ना तमन्ना को लेने जा रहे हैं, और आदि की आज छुट्टी थी और तमन्ना की नहीं है, तो आदि बोल रहा है मेरे को साइकिल ले जानी है, तो मैंने बोला चलो साइकिल लेके चलते हैं। तो आदि ने अपनी साइकिल निकाल दी बाहर और मैंने बोला इधर से ही निकाल, क्योंकि पार्किंग का गेट खोलेंगे तो देर लेट हो जाएगी। चल उठे, आजा। आदि ना घर आने का नाम ही नहीं ले रहा, देख। तो इस साइकिल को ना छोड़ता ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको अंदर लेके आई और मैंने बोला इसको अंदर रख दे, तो अब देखना तभी भी उल्टे काम। रख देना साइड पे, तो इसको ऊपर नहीं आना, ये बोल रहा है मेरे को ऊपर नहीं आना, साइकिल ही चलानी है। आदर्श, हम कल रात को मार्केट से आ गए थे, पढ़ने टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था और साथ में हमें नींद भी आ रही थी, तो हमने वीडियो नहीं बनाया, तो हम अगले दिन बना रहे हैं। और ना वहाँ पे हम गए तो सूट के लिए थे, पर ना हमें सूट नहीं मिली, एक थी पर उसमें ना कलर मतलब अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। तमन्ना को ना वो सूट पसंद नहीं आई, मेरे को एक चादर पसंद आई तो मैंने ले ली ये वाली, और इसके साथ ये दो किलो कवर। मम्मी ने कुछ सब्जियाँ ली और ना मम्मी ने ना एक ये कपड़ा लिया है, मैंने ना एक कपड़ा लिया ये वाला, ये कपड़ा ना सस्ता भी है और अच्छा भी लगा मेरे को, तो ये मैंने सीखने के लिए ले रखा है। तमन्ना के लिए बोला मैंने कि मैं तेरे लिए ना इस पे बना के देखती हूँ एक बार, शरारा सूट बनेगा तो सही है। और ये कपड़ा ना अच्छा आ गया, देखना 5 मीटर कपड़ा है, 200 रुपए का आ गया, सस्ता आ गया ये कपड़ा। मैंने तमन्ना के लिए बोला कि एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ, शरारा बन जाए तो ठीक है, उसके बाद मैं मार्केट से भी ले लूंगी तेरे लिए, पर एक बार मैं ट्राई करके देखूंगी। तो ना अब मम्मी मेरे शरारा सिलेगी तो आपको भी दिखाएगी वीडियो में, और कुछ भी सिलेगी तो आपको भी दिखाएगी। तो ना मम्मी इस पे मेरे लिए जब शरारा बनाएगी तो आपको भी दिखाएगी, और ना मम्मी ने बोला था मैं दूसरा भी खरीद लूंगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, अगर पहले से कर रखा है तो मत करना, और अगर पहले से नहीं कर रखा है तो कर दो, तो हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।